भारताच्या सर्वांगीण प्रगतीसाठी आणि गरीब आणि मध्यम वर्गीयांच्या सर्वांगीण उत्कर्षासाठी काँग्रेस आघाडी सरकार वचनबद्ध आहे। लोकसभा निवडणुकीच्या आपल्या जाहीरनाम्यामध्येही काँग्रेस पक्षाच्या राष्ट्रीय अध्यक्षा सोनिया गांधी यांनी गरीब आणि मध्यम वर्गीयांच्या उत्कर्षाचं आश्वासन भारतीय जनतेला देत काँग्रेस आणि आघाडीच्या उमेदवारांना विजयी करण्याचं आवाहन केलंय। दिल्ली येथे आयोजित एका जाहीर पत्रकार परिषदेत काँग्रेस पक्षाच्या नेत्या राष्ट्रीय अध्यक्षा सोनिया गांधी यांनी काँग्रेस पक्षाचा जाहीरनामा आणि देशाच्या जनतेच्या सर्वांगीण प्रगतीसाठी आखलेल्या ध्येय धोरणांची माहिती असलेल्या पुस्तिकेचं प्रकाशन करण्यात आलं। यावेळी पंतप्रधान मनमोहन सिंग, उपाध्यक्ष राहुल गांधी तसेच काँग्रेस पक्षाचे ज्येष्ठ नेते आणि पत्रकार मोठ्या संख्येने उपस्थित होते। काँग्रेस पक्षाने प्रसिद्ध केलेल्या जाहीरनाम्यासंबंधी काँग्रेस पक्षाच्या राष्ट्रीय अध्यक्षा सोनिया गांधी यांनी उपस्थितांना अधिक माहिती दिली। आज भारतीय काँग्रेस का लोकसभा 2014 के लिए घोषणा पत्र जारी हो रहा है। इस अवसर पर मैं आप सबका स्वागत करती हूं। जैसा कि आपने अभी देखा कि इस बार के हमारे मैनिफेस्टो को तैयार करते समय एक नई प्रक्रिया अपनाई गई है। देशभर में समाज के अलग अलग वर्गों से राहुल जी ने सलाह मशविरा किया गया, उनके काफ़ी विचारों और उनकी आकांक्षाओं को इसमें मैनिफेस्टो में शामिल किया गया है। जाहिर है कि सभी सुझावों को इसमें शामिल करना मुमकिन नहीं था, इसीलिए उन सुझावों को हम अलग से प्रकाशित करेंगे अगले कुछ दिनों में। वैसे हमारे सरकारों ने हमेशा देश के आम नागरिक की इच्छाओं और आकांक्षाओं के अनुरूप सेवा करने का प्रयास किया है। आपने खुद देखा है कि डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के नेतृत्व में पिछले 10 साल का समय एक जबरदस्त आर्थिक परिवर्तन और सामाजिक सशक्तिकरण का समय रहा। पिछला एक दशक देश के लिए तेज आर्थिक विकास का समय था। ऐसा समय था जिसमें समाज के सभी वर्गों, विशेष रूप से कमजोर और पिछड़े वर्ग के लिए अनेक नए अवसरों के द्वार खुले हैं। ऐसा समय था जिसमें सभी प्रदेशों और पंचायत राज संस्थाओं को बेमिसाल आर्थिक सहायता मिली। ये एक ऐसा समय था जिसमें संसद द्वारा अनेक दूरगामी और ऐतिहासिक विधेयक पास हुए हैं। तसेच या जाहीरनाम्यासंबंधी आणि होणाऱ्या लोकसभा निवडणुकासंबंधी पत्रकारांनी विचारलेल्या प्रश्नांना काँग्रेसचे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष राहुल गांधी यांनी समर्पक उत्तरं दिली। राहुल जी, मेरा सवाल आपसे है, भाजपा के प्रधानमंत्री उम्मीदवार नरेंद्र मोदी हैं और ये माना जा रहा है कि उनके में एक लहर सी है, आप और आपकी पार्टी कितना चैलेंज मानते हैं मोदी जी को? सेटिंग में यहीं पर सवाल उठा था कि कांग्रेस पार्टी की बहुत बुरी पिटाई होने वाली है और यह सवाल आपने हमसे पूछा था और आपने यहां आपके ओपिनियन दिखा रहे
कि कांग्रेस पार्टी को यूपी में 5 सीट मिलेंगी। वही एनडीए की वेव थी, वही कांग्रेस पार्टी की पिटाई होने वाली थी जो 2004 में और 2009 में नहीं हुई। देखिए, कांग्रेस पार्टी यहां चुनाव लड़ेगी और जो रिजल्ट आएगा सबको आश्चर्य होगा। जहां तक यूपी की बात, यूपी में हमारा परफॉर्मेंस 2009 जैसा परफॉर्मेंस, रिपीट परफॉर्मेंस होने वाला है। अब आप इस बात को माने या ना माने, पिछली बार भी मैंने कहा था, आपने नहीं माने, चुनाव होगा पता लग जाए। जो आपने मोदी जी की बात की उसमें मैं दो शब्द बोलना चाहता हूं। मोदी जी एक इंडिविजुअल है, मोदी एक विचारधारा को रिप्रेजेंट करते हैं और वो विचारधारा एक्सक्लूजनरी विचारधारा, चुने हुए लोगों की राजनीति की विचारधारा है, लोगों को एक से दूसरे की लड़ाने की विचारधारा है। वो विचारधारा हिंदुस्तान को नुकसान करने वाली विचारधारा है और उस विचारधारा को हर कांग्रेसी लड़कर हराए। पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांनी ही काँग्रेस पक्षाच्या जाहीरनाम्या संदर्भात आपलं मनोगत व्यक्त केलं। इट्स अ युनिक डे व्हेन द काँग्रेस पार्टी इज गोइंग टू रिकमिट ऑल ऑफ अस टू अ न्यू विजन, अ विजन of an inclusive society, rapidly expanding economy in which growth benefits all sections of our society, and that in the process we generate lot more new jobs to provide to the young people of our country. Today there is discussion everywhere about who is good at guaranteeing or providing development. Now development has many models. One here today is about Gujarat model, one hears about other models, and the Congress model is the model which recognizes that there is a need for an expanding economy to provide lasting solutions to the problems of poverty.